नारायण नारायण दोस्तों, थर्ड डायमेंशन के इस फोर्थ एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट अलका जी डालमिया से, जो हमें बताएंगी कि वर्तमान परिस्थिति में यदि हम अपने व्यवहार में छोटे छोटे चेंजेस कर लें तो किस तरह जीवन को सहज और सौहार्दपूर्ण बनाया जा सकता है। अलका जी इज हेल्पिंग पीपल ऑल ओवर द ग्लोब कॉम्प्लीमेंट्री। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, यदि आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नारायण नारायण अलका जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको फोन पे थर्ड डायमेंशन का उद्देश्य बताया ही था, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, पहले थोड़ा 10-15 दिन का था तो उसको लोगों ने बहुत इंजॉय किया बिकॉज दैट वॉज सच अ न्यू फेनोमेना इन देयर लाइफ। पर जैसे जैसे लॉकडाउन इंक्रीज होता गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी कि लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, लोगों का एंगर बढ़ गया, लोग बात बात पे चिढ़ने लगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को उनको भी पता है कि ये कुछ हमारे बस में नहीं है, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से, क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहेंगे जिन पे वर्क करके लोग अपने इन सारे फ्रस्ट्रेशन, एंगर और जो भी उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है इसको दूर कर सके। देखिए संजय जी, सबसे पहले समझना हमको ये चाहिए कि ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक की, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। हम एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 जैसे होती है उस तरीके की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। ये पैंडेमिक अपने आप में बहुत ही एंजाइटी देने वाला है, नो डाउट। लेकिन अगर हम अपनी सोच थोड़ी सी बदल सके, थोड़े सा अपने को पॉजिटिव कर सके, तो हम इसको इजिली फाइट आउट कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि इसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो मोर और लेस कुछ दिनों में एज वी गो ऑन ये ठीक हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनको ठीक होने में समय लगता है और कई बार ये बड़ा भयानक रूप ले सकती है। तो हमको ये चाहिए कि ऐसे समय पे हम अपनी अपना मानसिक संतुलन बनाने के लिए अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखें, और उसके लिए बहुत तरीके हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक अपना शेड्यूल बनाएं, रोज अपना सोने जागने का, अपने खाने पीने का एक शेड्यूल बनाएं, क्योंकि हम घर पे रहने के कारण एक अपनी रूटीन नहीं बना रहे। और रूटीन नहीं बनाने से क्या होता है, लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ भी कभी भी कर रहे हैं तो एक वो अजीब सी फीलिंग रहती है। अगर आप शेड्यूल्ड रहते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं तो एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, जिसको हम कहते हैं एक अच्छा फील करने वाली स्थिति, ये रहती है। एक तो शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत जरूरी है कि हम जैसे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के कारण हम लोगों को अकेलापन बहुत लग रहा है। बहुत जरूरी है हम अपने साथियों के, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर्स हैं, अपने दोस्त यार हैं, सबसे कॉन्टैक्ट में रहें। और आजकल तो देखिए इतनी अच्छी सुविधा है जूम कॉल्स की, और भी कई तरीके के व्हाट्सएप कॉल्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, आप टच में रहिए। उससे एक आदमी का ढांढस बंधा रहता है। प्लस बहुत जरूरी है हमको ये समझना, क्योंकि मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे समय पे, कि हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये चीज पूरी दुनिया के साथ हो रही है। Exactly. और यदि हम अपने आसपास देखें तो हर व्यक्ति के लिए, ये मैं सबके लिए कहूंगी कि हर आदमी को अपने आसपास लोगों की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। और जब आप देखने लगेंगे ना संध्या जी, तो आपको पता चलेगा ईश्वर ने आप पे कितनी कृपा कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बहुत बहुत एक बहुत ब्लेस्ड सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादातर लोग हम में से वो पॉजिटिविटी देखना नहीं चाहते जो कि हमें जरूर देखनी चाहिए, और वो देखने से हमें इतनी हिम्मत मिलती है और एक इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि वो हमें आगे बढ़ने के लिए और इसको फेस करने के लिए बहुत बहुत ताकत देती है, ऐसा मेरा मानना है। अलका जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि स्पेशली ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैंने देखा बच्चों का और युवाओं में, उनमें बहुत सारा क्योंकि उनका रूटीन बिल्कुल ही बदल गया है। क्योंकि पहले उनका रूटीन ऐसा हुआ करता था कि मॉर्निंग टिल उनका कॉलेज या स्कूल है, एंड उसके बाद उनके डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और उसके बाद वीकेंड्स पे उनके कुछ कुछ सोशल गैदरिंग्स वगैरह रहा करते थे। लेकिन ये सिंस 4 महीने से सब कुछ टोटल ही
बंद हो गया है, तो कहीं कहीं थोड़ा शुरू में बच्चों ने इंजॉय किया घर के काम करने में या कुछ कुछ नई हॉबीज डेवलप करने में, लेकिन जैसे जैसे समय जाता जा रहा है उनके अंदर ना एक अजीब सी उदासी आती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए बहुत आउटस्पोकन है, बहुत कह रहे हैं, लेकिन थोड़े चुप, थोड़े शांत, थोड़ा सा अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, ज्यादातर टाइम सोने में निकाल देना या ऐसे कर देना, क्योंकि दे डोंट वांट टू फेस। तो उस सिचुएशन में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि किसी भी चीज को फेस ना करना इज नॉट द सोल्यूशन। जिस तरह से आपने बड़े लोगों के लिए कहा कि वो अपना रूटीन सेट करें, उस तरह की कुछ सलाह आप बच्चों और यंग जनरेशन को भी देना चाहेंगे? हम बिल्कुल देना चाहेंगे, एंड बच्चों से भी ज्यादा जरूरी है उनके पेरेंट्स, वो उनका ये ध्यान रखें कि उनकी मदद करें कि वो एक अपना, जो मैंने बड़ों के लिए कहा वो चीज बच्चों पे भी लागू होती है, सिंस उनकी स्कूलिंग भी अब घर पे ही हो रही है, तो उनका एक शेड्यूल बनाएं, उनका एक टाइम सेट करें, उनका खाने पीने का, उनका सोने का, उनका पढ़ाई का, खेलने कूदने का टाइम सेट करें। और एक मेरी पेरेंट्स को बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे होते हैं उनको एक अपना पर्सनल मी टाइम जरूर चाहिए होता है, और ऐसे समय पे क्योंकि वो दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका एक जो सोशल सर्कल है वो बिल्कुल कट ऑफ होके वो घर में बंद गए। और देखिए 24 घंटे किसी को भी घर पे अगर आप बांध दीजिए, तो आज हम लोगों को, हम इतने बड़े हैं, मेच्योर हैं, हमको इतनी उलझन हो रही है, तो बच्चों को तो आप समझिए बहुत तकलीफ है। तो उनको उनका मी टाइम जरूर दें, जरूर दें, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ वर्चुअली हैंग आउट कर सकते हैं, कोई गेम्स खेल सकते हैं, अपना म्यूजिक वगैरह जो भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस बच्चों से बात जरूर करें, इस कोरोना वायरस के बारे में बच्चों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, उनको ये डर बहुत लगा रहता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, किसी को हो गया तो क्या होगा। तो बच्चों को इस कोरोना वायरस का डर जरूर निकालें, और वो कैसे निकलेगा डर, उसको निकालने का एक ही तरीका है, उनको फैक्ट्स बताएं और उनको ये बताएं कि फैक्ट्स अलग होती हैं, फीलिंग्स अलग होती हैं। ये डर जो है ये हमारी फीलिंग है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। कोरोना वायरस से डरना कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका डर यदि हम अपने मन से निकाल दें तो आप समझिए हमने जीत ली ये लड़ाई। तो बहुत जरूरी है कि जी बहुत जरूरी है कि उनको सही न्यूज आइटम्स दिखाएं, उनसे कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि ऐसे में डरना बहुत स्वाभाविक है, अगर आप डर रहे हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बच्चों को ये चीज जरूर बतानी चाहिए। और उससे उनको तीसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि बच्चों को घर की किसी एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करें, जैसे आप एक कोई फॉर एग्जाम्पल फैमिली टाइम सेट करें, उसमें घर के सारे लोग मिलके कोई बोर्ड गेम खेलिए, या कोई किसी दिन फैमिली कुकिंग कर लीजिए, या आपस में बातें ही करिए बैठ के, या आपने किसी दिन कैरियोके सेशन कर लिया, समथिंग लाइक दैट। तो उससे क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेस बस्टर होता है, उनको अपना फैमिली का टाइम अलग मिल जाता है, और पर्सनल टाइम जब आप उनको देते हैं तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ अलग टाइम मिल जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन कि वो अपना टाइम किस ढंग से डिवाइड करें अलग अलग समय पे। अगली बात जो बहुत एक जरूरी मैं समझती हूँ कि बच्चों से उनके मन की बात जरूर जानिए। ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा फादर फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, हम उनसे कैसे बात करें, लेकिन ये सारी चीजें उनके मन में भरती जा रही है। बच्चों को प्यार से बैठा के उनसे बात करिए और उनसे ये कहिए कि बेटा तुम जो भी कहोगे, तुम्हारे किसी भी विचार से ना हम डरेंगे, ना हम इरिटेट होंगे, ना गुस्सा होंगे, आप अपने मन की बात हमें बताओ। आपको लगता है कि बच्चा अगर अपने मन की बात नहीं बता रहा है, तो मैं अपने जैसे सेशंस में कई बार देती हूँ, मैं शेयर कर भी सकती हूँ, मैं एक फॉर्म देती हूँ, आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो फॉर्म भर दे, उस फॉर्म में वो अपने मन की सारी बातें बता सकता है और आपको उससे डायरेक्ट बात करने की जरूरत भी नहीं है। या आजकल बच्चे बहुत फ्रेंडली हैं, उसको बोल दीजिए बेटा टेक्स्ट मैसेज में लिख के मुझे बता दो, जिस ढंग से भी कन्वीनियंट हो, लेकिन बच्चों की बात जरूर मन की जानिए। क्योंकि ऐसे समय पे मैं देख रही हूँ संध्या कि मेरे पास ज्यादातर पेशेंट्स टीनेजर्स आ रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस कोरोना के समय पे, और उनको बहुत जरूरत है अपने माता पिता के सहारे की, बिकॉज जो सिक्योरिटी पेरेंट्स से मिलती है वो किसी से नहीं मिलती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और एक बात और जो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को हमारे समाज में, स्पेशली हमारे इंडियन समाज में, एक स्टिग्मा बना रखा है कि
कि हम किसी काउंसलर के पास क्यों जाएं, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं मानसिक रोगी हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपकी कई प्रॉब्लम्स सिर्फ बात करने से, अपने मन की बात बताने से ही खत्म हो जाती है। एक फ्रेंडली काउंसलिंग जरूर करवाइए अपने बच्चों की। अगर आपको थोड़ा भी बच्चा चुप चुप उदास या उसके कोई व्यवहार में चेंज लग रहा है तो वो आप आगे बढ़ के जरूर कराइए। और ये राय मैं टीनेजर्स को भी दूंगी कि अगर आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, आप अपने घर में बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप जरूर किसी काउंसलर को अप्रोच करके और बात करो। मैंने भी संध्या इस समय पे एक फ्रेंडली काउंसलिंग जो स्टार्ट की है, आई डोंट चार्ज माई सेशंस, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर रही हूँ। एंड पैंडेमिक से रिलेटेड बहुत बहुत तकलीफ लोगों के मन में है, जो कि सिर्फ सिंपली मुझे लगता है बात करने से सॉल्व की जा सकती। वेरी नाइस nice, ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि जैसे कि बच्चे घर पे हैं तो बाहर निकलकर काउंसलर को मिल भी नहीं सकते, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पे करना पड़े काउंसलर को, दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, कि अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो दे, अगर वो अपने आप को एकदम ये रखना चाहते किसी को पता ना चले तो वो आप जैसे काउंसलर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सीरियसली आप बहुत अच्छा काम बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी आप बहुत इस सारी इसके विशेस टू एंड यू। में जी आप इसके एंड में मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, और अगर कोई मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं बिल्कुल आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट आई कैन ऑफर। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड इंफॉर्मेशन। अलका जी, मैं अब जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ वो इस तरीके से कि जो घर में महिलाएं हैं तो उनका जी काम बहुत, जो स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं तो उनका कैसा जी हो गया अभी, कैसा था कि पहले सबका एक रूटीन था, हस्बैंड भी घर से बाहर गए, बच्चे भी थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर गए, डोमेस्टिक हेल्प भी आई तो उनको अपना रिलैक्स जी टाइम मिलता था, और जो आपने बोला मी टाइम था उनके पास, लेकिन नाउ जी दे जी डोंट हैव एनी मी टाइम, सारा का सारा जी उनका समय पूरा का पूरा उनका परिवार के लिए है, और वो बिल्कुल बिल्कुल ये समय जो उनका पूरा समय परिवार को जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इफेक्ट कर रहा है, हैम्पर कर पर रहा है। इनको जी समझ जी नहीं, मतलब पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, तो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा आ पा रहा है कि वो किस तरह से इनको हैंडल करें, तो प्लीज हमारे जी हाउसवाइफ को आप गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो अपने जीवन को पहले जैसा खुशहाल जीवन बना सकें। जी तो पहला तो मेरा जो मैं हर एक से बोलती हूँ, जो की टू गुड मेंटल हेल्थ है दैट इज कम्युनिकेशन। अपने मन की बात जरूर अपने पार्टनर यानी अपने हस्बैंड को बताएं। आपको किस ढंग से प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या फेस कर रहे हो, आप जरूर अपने हस्बैंड से वो सारी बातें शेयर करें। दूसरा, देखिए परिवार तो सभी लोगों का है, घर सभी लोगों का है, तो इस बात को समझें और घर में थोड़ा थोड़ा काम सब लोगों से हेल्प मांगे। हेल्प मांगने में झिझके नहीं। लेडीज को क्या होता है कि मैं कैसे कहूँ, मैं क्यों कहूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को बच्चों के लायक काम दे सकते हैं, बड़ों को बड़ों के लायक काम दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है संध्या जी कि सब आपके बराबर ही काम करें, वो अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड इस ढंग से एक फैमिली फीलिंग भी आती है। करेक्ट। फिर अगेन अगेन मैं ये बोलूंगी हाउसवाइफ्स के लिए कि एक समय, चाहे वो रोज नया समय हो, जरूरी नहीं कि आपने शाम को रोज 8 बजे बांधा तो रोज 8 बजे, किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 5 बजे, जिस समय भी आपको समय मिले, एक घंटा अपने लिए मी टाइम जरूर निकालिए। उसमें आप अपने, जैसे मैंने बच्चों के लिए कहा, आप भी अपना जूम मीटिंग करिए, कभी म्यूजिक सुनिए, कभी आपका जो भी कोई पैशन है उसको फॉलो करिए, बिकॉज ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और एक बात और कि आप अपना कोई भी काम जो करें उसको टुकड़ों में बांटिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए काम से। काम लगातार करने से शारीरिक थकान तो होती ही है, मेंटली झुंझलाहट भी बहुत होती है, जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं समझ पाते। और वो झुंझलाहट क्या होता है संध्या जी, निकलती किसी और पे है, किसी गलत जगह पे है, और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। करेक्ट करेक्ट। एक चीज और कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल भी देखिए हाउसवाइफ्स को ही करनी पड़ती है, तो आप ये कोशिश करिए कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आप उनसे बोलिए कि जैसे सपोला आपने उनके लिए एक शेड्यूल बना दिया, आप उनसे ये हेल्प मांग सकते हैं कि ये आपकी मेडिकेशन है, ये मैंने पाउचेस बना दिए, इनको आप समय समय से खुद ले लें। इस ढंग से आप छोटी छोटी हेल्प्स अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी मांग सकते हैं, उसको मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें आप उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहे, वो आपको जरूर करना चाहिए। और एक बात और, ये हर एक पे लागू नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसे समय में लेडीज का फिजिकल अब्यूज हो रहा है घर में,
कुछ लोगों का गाली गलौज भी हो रहा है, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हो रही है। ये बड़ी भयानक स्थिति है, क्योंकि देखिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे में आप किसी प्रोफेशनल को जरूर अप्रोच करिए, किसी काउंसलर को जरूर अप्रोच करिए। एंड ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। और आखिरी में मैं फिर वही कहूंगी कि ईश्वर को जरूर धन्यवाद दीजिए और अपने आसपास देखिए, आप फिर भी और लोगों से बहुत अच्छी स्थिति, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति। अलका जी, अभी आपने बातचीत में बुजुर्गों का जिक्र किया, तो बुजुर्गों के जी साथ एक एक अलग ही तरीके की इश्यूज आ रहे हैं कि बुजुर्गों को अगर जी हम मास्क लगाने के लिए बोलते हैं या हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए बोलते हैं तो वो जल्दी से एग्री नहीं होते, या उनको बोलते हैं कि आपको जी घर से बाहर नीचे बिल्डिंग में राउंड लगाने नहीं जाना है या बाग बगीचे में नहीं जाना है, तो उनका ऐसे बहुत सारे वो कई बार एग्जाम्पल देते हैं, अरे आप लोग भी तो जा रहे हो, पर उनको ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम जा रहे हैं जिस वक्त हम जा रहे हैं कि घर का कुछ जरूरी काम है इसके लिए निकल रहे हैं, या अगर घर का मेल मेंबर जा रहा है तो शायद उसका ऑफिस खुला हुआ है इसके लिए जा रहा है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं घरों में कि बड़े बुजुर्गों को समझा पाना ये चीजें कि मास्क यूज करिए या घर के बाहर नहीं जाइए, तो आप कोई ऐसा सरल उपाय बताएंगे सारे दर्शकों को कि वो उसका पालन करके, क्योंकि वो थोड़ा सा भी कुछ बोलने से वो थोड़े आपके रिश्ते फिर ना ऐसे होने लगते हैं, हाँ, तो वो कोई नहीं नहीं बिल्कुल करना ठीक चाहता बात है तो हम चुप रह जाते हैं, जी ठीक है जैसा हो रहा है जी ठीक है, लेकिन वो उनकी हेल्थ के जी लिए ठीक नहीं है, ये डर हमको फिर जी बार-बार सताता है मन में, तो उसके जी लिए कुछ सजेशन जी देना चाहेंगे आप? हाँ, उसके लिए भी यही सजेशन है कि अगर आप कोई एक सपोज आपने आधे पौन घंटे का 1 घंटे का फैमिली टाइम रोज बना लिया, उसमें आपने बड़े बुजुर्गों को भी इन्वॉल्व किया जितना भी वो पार्टिसिपेट कर पाए, नहीं तो वो दर्शक बन के ही देखे, सारे लोग घर के उसमें साथ में को कुछ भी, कोई बोर्ड गेम खेलिए, कभी गाना वाना गाइए, कभी कुकिंग करिए, कभी कुछ करिए, तो एक उनके लिए भी एक स्ट्रेस बस्टिंग होती है, उनको भी देखिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा डर है मन में कोरोना Exactly. होने का, क्योंकि उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, लेकिन वो ये फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि यंग लोग तो निकल पा रहे हैं, हम नहीं निकल पा रहे, तो उनके लिए कुछ थोड़ा आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा कि घर में कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। हाँ, एक एक चीज आप और जो कर सकते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए कि थोड़ा सा उनसे अपना डायलॉग बढ़ाइए, उनसे थोड़ी बहुत दिन में एक दो बार आप 10 मिनट उनसे बैठ के बात कर लीजिए, उससे उनको बहुत सांत्वना मिलती है और बहुत सिक्योरिटी मिलती है, ये सिक्योरिटी उनकी लोनलीनेस को भी बहुत कम करती है। और अगर आप करवा सकें तो उनसे उनके रिश्तेदारों की जूम मीटिंग्स वगैरह करा दीजिए, जैसा मैंने बोला, उससे भी उनको बहुत खुशी मिलती है। तो यही सारी चीजें हैं संध्या। अलका जी, आपसे जब आप कह रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही थी कि बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी, तो मुझे लगा कि एक ये भी हम पुराना कस्टम वापस से शुरू कर सकते हैं कि दादी नानियों के साथ बैठकर हम उनके जमाने की बातें अपने बच्चों किससे कहानी सुने। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा हाँ। कि देखिए आज मेरी बात सुनने के लिए ये आ गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। और एक चीज जो मेरी रह गई इसमें आपको बताना, मैं मुझे अभी अभी दिमाग में आया कि जैसे आपने लेडीज की बात कही, तो बहुत सी ये तो मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस बताए ये थे हाउसवाइफ्स के, अब बहुत सी लेडीज हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, वो घर से काम कर रही हैं। अब घर से काम करने वाली स्त्रियों से पूरी अपेक्षा ये की जाती है कि वो घर भी संभालें और घर का काम भी करें। अलका जी, मेरा लॉग इन करने के पहले आपसे अच्छा अच्छा सॉरी प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं अच्छा है ना, अभी क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छी बातचीत ना वो होती है जहाँ जो मैं पूछना चाहती हूँ आप पहले से ही समझ जाए, दैट इज द बेस्ट कन्वर्सेशन। तो लेडीज के साथ में ये है कि वो लॉग इन करने के पहले सफाई भी करें, कुकिंग भी करें, हस्बैंड और बच्चों का सारा ख्याल भी रखें, और उसके बाद जो बॉस कह रहा है उनका, उसके भी सारे प्रेशर्स झेलें। और कोई भी बॉस आजकल एम्पैथेटिक नहीं है, वो नहीं समझना चाह रहे हैं कि क्या प्रेशर्स हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो घर के लोग हैं वो इस बात को समझें कि ये वर्किंग वुमन है, उनसे वो अपेक्षाएं अपनी कम रखें और लेडीज को थोड़ा सा सपोर्ट करें। वो लेडीज जो घर पे ही रह के काम पूरा कर रही हैं, उनको थोड़ा सा ये सपोर्ट करें कि जिस समय उनके वर्किंग आवर्स हैं उस समय उनसे कोई काम ना कहा जाए, उनको ना डिस्टर्ब किया जाए। और लेडीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको अपने बॉसेस को थोड़ा नो कहना जरूर आना चाहिए, उनको अनड्यू प्रेशर्स लेने का नो कहना जरूर आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि हम घर पे हैं, हमारे ऊपर इस समय घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, तो हम एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते. वी हैव टू लर्न टू से नो, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है अलका जी, शायद सिर्फ नॉट ओनली विद बॉस, मुझे लगता है घर में भी उन्हें कहीं कहीं पर अपनी नो कन्वर्सेशन को समझना होगा, लोगों को, फैमिली मेंबर को समझना होगा कि अगर वर्किंग वुमेन इस वक्त ये बोल रही है कि नहीं मैं इस वक्त नहीं काम कर सकती, तो उसके कोई रीजंस हैं. तो जी बिल्कुल बिल्कुल. और उनको भी ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि इस वक्त अगर मेरा ये काम है तो इस वक्त मैं घर के काम के लिए ना बोलने में उनको वो जो अंदर से जो ग्लानी आती है वो गिल्ट होती. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गिल्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि जो वो काम कर रही है उस वो भी अल्टीमेटली घर के लिए ही कर रही है, अपने परिवार के लिए ही कर रही है, तो वो गिल्ट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. अलका जी, मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के वर्क एट होम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जी कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है जहां पर इम्प्लॉयज को बोल दिया गया है कि आफ्टर जुलाई वी विल नॉट कंटिन्यू एज आवर स्टाफ, या इस तरह की भी चीजें बहुत सारी, कहीं कहीं सैलरी कट हो रहा है, कहीं कहीं दो दो तीन तीन महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो उससे भी काफी फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं. क्योंकि अभी ठीक है आपके पास बहुत सारी सेविंग्स और सारी चीजें होती हैं, पर ये जो एक अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीजों ने बहुत सारा, और नए जॉब्स का भी अभी इस वक्त फिलहाल कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ऐसी जी बिल्कुल का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत एंग्जाइटी देने वाली सिचुएशन है, नो डाउट, लेकिन इसका सबसे बड़ा ढांढस ये है कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं, ये सभी के साथ हो रहा है, किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम. तो जो चीज सबके साथ हो रही है और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है. कुछ चीजें होती हैं संध्या जो हमारे कंट्रोल में होती, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. इस समय हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है कि हम कोरोना वायरस से अपना बचाव कैसे करें, अपने परिवार का बचाव कैसे करें. तो जो चीजें हमारी कंट्रोल में हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या हाथ को धोना या जो भी और इसके तरीके हैं, उन पे हमें फोकस करना चाहिए. जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे फोकस करके हम सिर्फ मानसिक डिप्रेशन में जाने के सिवा और कुछ नहीं करें. हमको अभी ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है उसमें हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा. क्योंकि ये सबके लिए ही है, ये सबके लिए ही है, आप इसमें अकेले नहीं. ये थॉट रखना बहुत जरूरी है कि हम इसमें अकेले नहीं. एग्जैक्टली, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हर रोज आती है या बार बार आपकी लाइफ में आती है, ये बहुत ये चांस की बात है कि हमें ये सिचुएशन हमारे सामने आई और हम उससे सिचुएशन से लड़ रहे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को भी ये सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता सकते हैं जो उनके लिए फ्रूटफुल. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ अलका जी, और कुछ ऐसा विशेष आप एक ऐसा कुछ सूत्र देना चाहेंगी जो बच्चे बड़े बूढ़ों बुजुर्ग वर्किंग लेडीज सबके ऊपर लागू हो, कि वो कुछ ऐसा फॉलो करें जैसे कि आपने शुरू में शायद बताया था, कई बार उसने आपने वो यूज किया, समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल, उस तरह का कुछ चीज. जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें शेड्यूलिंग तो है ही, उससे भी बड़ा, या तो मैं ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हूँ इस कारण, और उसका मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है. मेरा ये मानना है कि हमें ग्रेटिट्यूड जरूर रखना चाहिए, हर उम्र के इंसान को बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर के सामने कि आज हमारे सिर पे छत है, हमारे पास खाने को खाना है, एक अच्छा परिवार है, हजारों लाखों करोड़ों आदमी है ऐसे जिनके पास ये सब कुछ नहीं है. तो ये फीलिंग आना और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, ये अपने आप में जितनी ताकत देता है ना संध्या जी, उतनी किसी चीज से ताकत नहीं मिलती. एंड ये आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा, ये आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा अलका जी. एक तो आपके जो भी आपने बताया वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसके ज्यादा भी, इससे भी ज्यादा जिस चीजों ने, जिसने मुझे आपसे अटैच किया वो ये था कि जो भी आप पॉजिटिविटी की बातें कह रही थी ना, हम भी उन्हीं सब बातों में बिलीव करते हैं. हम जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं और जो हमारी गुरु हैं वो
उन्होंने हमारी लाइफ को इतना इजी, इतना सिंपल बना दिया है, उसका ही परिणाम है ये थर्ड डायमेंशन। क्योंकि मुझे लगता था कि चारों तरफ ना लोग ये बातें कर रहे हैं, इतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं, इसको किस प्रोस्पेक्ट से देखें कि लाइफ हमारी इजी हो जाए। वो लाइफ, वो प्रोस्पेक्ट ना वो दीदी ने भी हमें बताया, राज दीदी ने भी हमें बताया, और करीब करीब वैसा ही प्रोस्पेक्ट आपने बताया। तो आई एम रियली फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैंने जिन जिन लोगों से भी मैं बातें कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों से बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छी बातें अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच संध्या जी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतनी बातें की। थैंक यू सो मच संध्या, दुबई में रहते एंड इतना समय हमारे लिए निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, अच्छी बात की, सो दिल से आभार आपका, दिल से आभार आपका भी संध्या। और मेरा फोन नंबर आप जरूर शेयर कर सकते हैं, मैं लोगों की हेल्प बिल्कुल बहुत दिल से करना चाहती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नारायण, थैंक यू सो मच संध्या, नारायण 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 नारायण। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।